हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अहमद व्यूज। मेरा नाम अहमद अब्बास है और मेरा नाम सलमान है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाशिक स्मार्ट सिटी, जो कि जैसे बाकी हम स्मार्ट सिटी देखते हैं, यार मेरे ख्याल में ये भी बहुत डेवलप होगा, उनकी तरह इसकी अपनी शान होगी। वैसे सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा डेवलप है और बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब स्मार्ट सिटी से जाना जाता है। और ये जो है ना, हमारे फ्रेंड ने एक बताया था हमें सजेशन में कि ये यार बहुत हरा भरा है, हरियाली है इसमें। हरियाली फिर तो मजा आने वाला है, मजा आएगा, क्यों नहीं मजा आएगा। सलमान भाई, वैसे यार आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का कौन सा सिटी है जो ब्यूटीफुल नहीं है, जिसमें मतलब सफाई नहीं है या जिसमें मतलब डेवलप ना हो। इंडिया यार कौन सा सिटी है, इंडिया जितना भी तकरीबन सारा हमें प्यारा लगता है, क्योंकि हमने जो भी इसके शहर सिटी जितने भी देखे हैं ना, वो तो सारे ही खूबसूरत है यार, बड़े खूबसूरत हैं। अब इनकी जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ना, ये स्मार्ट सिटी का जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है ना, कमाल का है, बहुत हैवी और बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। ये मेरे ख्याल में महाराष्ट्र में है, स्मार्ट सिटी महाराष्ट्र के साथ होगा या महाराष्ट्र में ही होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है और हम अपना फैसला सजेशन भी तभी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और चलते हैं वीडियो की तरफ। ये क्या है यार,
एयरपोर्ट भी है। बहुत बड़ा सिटी है यार ये भी। सलमान भाई कैसा लगा यार देख के? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इसने तो कश्मीर के नज़ारों को भी पीछे छोड़ दिया इस सिटी ने यार। बाकी जो स्मार्ट सिटी कहते हैं ना वो है वैसा है यार, ये तो बिल्कुल वैसे ही नज़ारे, बहुत अच्छा वीआईपी मौसम, विलेज वाला माहौल भी मिल जाएगा। हाँ ऐसा भी है, विलेज वाला भी मिल जाएगा, वो नहीं के लोकल यार, वो हाई फाई वाला जो कि होता है देखते हैं अक्सर। बहुत प्यारा था यार, बहुत यार मैं तो बस वाला मॉल भी, शहर वाला भी मिल जाता है, कमाल की बात है। और ये रकबा भी बड़ा है, और ऐसा है कि इसकी पॉपुलेशन ना ज्यादा मतलब जैसे क्लोज क्लोज होती है वैसे नहीं है, है बहुत लेकिन मतलब हमने तो ज्यादा बेस्ट है ना कि यार ज्यादा आबादी इतनी नहीं है और ये पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी, नहीं होगी, और ट्रैफिक भी इतनी नहीं नजर आ रही थी यार। ये बड़ा अच्छा माहौल है और बड़ा सिक्योर माहौल है इधर का, कमाल की बात ये है। मुझे तो देख रहा था ऐसे लग रहा था कि यार मैं तो कश्मीर में हूँ यार। बिल्कुल यार ऐसे ही है क्योंकि एनवायरनमेंट कितना प्यारा था यार, बिल्कुल वैसे ही नजारे आ रहे थे सलमान, पहाड़ी सिलसिला भी था, पहाड़ी सिलसिला यार बड़ी कमाल की बात है। हरियाली कैसी थी यार? मैं तो एक बात कहता हूँ कि यार इधर बंदा रह जाए उसे हर तरह का मतलब जो है माहौल मिलेगा, शहर का शहर भी मिल जाएगा उसको, गांव का बिल्डिंग भी मिल जाएगी, और गांव भी ऐसा वैसा नहीं है। हाँ, और नजारे कश्मीर वाले जो देखना चाहता है वो भी उसे यहाँ पे मिल जाएगा यार। मैं तो कहता हूँ कि ये जो है ना शहर और गांव का निचोड़ है। हाँ हाँ निचोड़ है, यही कह लो यार बहुत। और अहमद भाई एक चीज और नोट किया आपने, इसकी जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंट्री को भी हमें देखना चाहिए इसको मजीद जो है ना, क्योंकि उसमें हमें पता लगेगा कि और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। हाँ तो ज़रूर देखेंगे, इंडस्ट्रीज भी बता रहे थे, इंडस्ट्रीज भी हैं इसमें। हाँ। काफ़ी चीज़ें जो हाईलाइट की हुई हैं उन्होंने, मज़ीद इसको देखना चाहिए हमें। वैसे कोई अच्छी वीडियो हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आप फ्रेंड्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।